आप देख रहे हैं NBC 24। वैसे तो प्यार एक ऐसा पवित्र शब्द है जिसका कोई पैमाना नहीं है। आपको बता दें कि प्यार में अक्सर आप देखते होंगे कि निभाने की बातें होती है, कस्में वादे होते हैं, लेकिन एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां प्यार में धोखा जैसे कुछ बात निकल कर सामने आई है। हम आपको बता दें कि यह मामला गया का है, जहां पर एक युवक युवती से प्रेम संबंध स्थापित कर उसे शादी के नाम पर छोड़ जाता है, लेकिन युवती भी पीछे नहीं हटती और वह शादी के इस फासले को तय करने में पुलिस या मदद लेती है और पुलिस भी सामने से आकर मदद करती है और इस युवती के प्यार का जो किस्सा है वो पूरा हो जाता है। तो आइए आपको ये वीडियो दिखाते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला गया का, जिसमें किस तरह से युवती ने अपने शादी के लिए पुलिस की मदद ली है। चंदौती थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला शालिनी कुमारी 19 वर्ष की थी, बालिक बच्ची, जो कि 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो अपने बॉयफ्रेंड से लगभग 9 महीने पहले एक शादी समारोह में मिली थी और वो लड़का नीतीश कुमार जो है मखदुमपुर का रहने वाला है और प्रेग्नेंट होने की खबर सुनने के बाद वो उस लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया था। तो शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया, जिसमें वो जब लड़की हमारे सामने आई तो वो इच्छुक थी कि वह शादी ही कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। फिर हमारे पहल से लड़के को बुला करके और दोनों के बीच बातचीत कराई गई, जिससे दोनों पक्ष जो है शादी करने के लिए तैयार हो गए और आज विधिवत विष्णुपद मंदिर में थाने के सहयोग से शादी करा दी गई और थाना से विदा किया गया। दोनों अभी राज्य खुशी शादी करके अपने घर चले गए। पहले लड़का तैयार था या नहीं? जी बिल्कुल, पहले तैयार नहीं था। लड़की ने जब अपने प्रेगनेंसी की बात लड़के को बताई, घर वाले को बताए, तो लड़का पहले तैयार नहीं था। यहाँ थाना में बुलाया गया लड़के को और लड़का आया, बात को समझा, उसके बाद वो शादी करने के लिए तैयार हो गया। इस शादी से उनके जो परिजन थे वो खुश हैं? जी, शादी से दोनों घर के परिजन बहुत खुश हैं। नहीं भाई, खोल के दिया, खोल दीजिए, अभी रख दो। पांच बार दीजिए ना जी, पूरे नीचे से ले जाइए। पांच बार दीजिए, नीचे से दीजिए। चलिए, तुम बनाओ पहले, तुम बनाओ पहले, बनाओ 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 ना। तुम आओ इधर, आओ इधर, सीधा हो ये थोड़ा सा। अरे तबीयत इसका ठीक नहीं है ना, ये तो अच्छा। चलो 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 भाई, चलो जो बड़े लोग हैं प्रणाम करो, आशीर्वाद लो और जाओ। प्रणाम करो मैडम को, चलो मिलते हैं। आओ इधर से आओ, गाड़ी में और भिजवा देते हैं। आज क्या हो रहा है यहाँ, कौन है? आज तो यहाँ शादी का वातावरण हुआ, शादी नीतीश का। कौन हुआ आपकी? लड़का मेरा हुआ। कब जानकारी हुआ आपको? मेरा जानकारी परसों हुआ। क्या जानकारी मिला था कि मैंने ऐसे ऐसे है? ऐसे ऐसे नहीं, पूरा खुल के बताइए। मैंने नीतीश कुमार और उसका शिवानी से मैंने दोनों का यह है जो केस हुआ है, जो आइए यहाँ तो हम फिर आए। उसके बाद यहाँ केस के मामला जब बढ़ा तब सारे लोग को, हित परिवार को हमने सूचना किया कि भाई इस तरह का मामला है। बोले कि देखो अब तो जो हो, हम तो जानते नहीं थे कि ऐसा मामला है, कुछ नहीं, इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानते। फिर शादी का जब परिवार लोग से सलाह लेकर के हमने कहा कि चलो भाई शादी कर लो, चाहे जो कहीं तो शादी करना ही है, जो रहे शादी कर लो। आने से पहले भी लड़की के परिवार वाले आपसे बात किए? नहीं, हमसे कोई वातावरण नहीं। क्या आपके लड़का और लड़की के बीच में जो प्यार मोहब्बत की जो बातें चल रही थी, अब कुछ नहीं हम जानते हैं।
उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, शादी से आप खुश हैं? अब तो शादी से हो गया तो खुशी ना रहेंगे, अब का दुखी में रहेंगे? शादी हो गया तो हो गया, इसमें क्या दिक्कत है? क्या नाम है आपका? रविंद्र साहब। उसमें रखी गई वहीं से इन लोग का प्यार हुआ, समझे? और इन लोग प्यार करते करते एक दो महीना हुआ, समझे? एक आध महीना हुआ होगा तो उसको बाद इन डेल्हा पर डेरा लेके लेकर रहता है, क्या समझे? वहाँ फ़ोन के जरिए से लड़की को वहाँ बुलाता था और जो पति पत्नी संभव करता है वो लड़की साथ से करता था, समझे? उसके बाद ये हो गया गर्भवती, समझे? तो माई से बाप से छुपा दिया। जब पूरा सीरियस जब हो गया तो हम लोग भी कहा कि काहे भी मार पड़ा भाई, तो हम इसको इलाज करवा भी लगे। 1800 करा दिए, 1800 रुपये निकला बच्चा। तो फिर इसको हमारे पीटे लगे कि कब कहाँ किया, तो फलाना जगह फलाना सब बकरी। तो फिर ये लेकर के हम लोग घर, तो फिर थाना पर आए, लेकर के माई बाप 50 आदमी से हमारे घर आया, धमकी दिया कि हमारे बच्चा गलत नहीं कर सकता। बोले कि अब इसको कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें थाना सद दिया, करा दिया छानबीन करके कि मैं हकीकत में है। थाना के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? आप थाना में आए तो क्या होता? थाना में आया तो थाना वाला ये कि कार्रवाई की है, मैं अपना शादी जानकारी दे के अपना समझ बूझ के कि नहीं दोनों कोई सही बात है, हकीकत बात है, दोनों को ये शादी करवा दी। थाना लड़का वाला क्या तैयार थे पहले? लड़का वाले पहले तैयार नहीं, पहले तैयार नहीं लड़का वाला। क्या बोल रहे कि हमारे लड़का से आपके लड़की का कोई संबंध नहीं है? अभी जब थाना वाला पूरा छानबीन किया तो संबंध ही मिला कि नहीं हकीकत बात है, तो जाके शादी करा दिए। थाना का जो ये कार्रवाई हुआ उसे आपको कितना खुशी है? बहुत खुशी है। क्या नाम है आपका? शंभू साहब। हम चुनौती के पीछे पूरा नहाता नहीं रहा। लड़का कहाँ रहता है? लड़का रहता है मैं डेल्हा पर खेला लेके। थोड़ा तेज बोलिए, जोर से बोलो। मुखदुमपुरम शादी में गए थे। अच्छा, बुआ का लड़का का शादी था, हमको शादी में ही उनसे मिलन हुआ था। कितना दिन से चल रहा था आप लोग के बीच? नवंबर शादी में ही से। तो शुरुआत में हम शादी में मिले तो फिर उसके बाद क्या हुआ? नंबर कैसे लिए, बातचीत किस तरह हुआ, पूरा बताइए। बातचीत तो वहीं से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, फिर हमको ये बड़ागढ़ पहाड़ घुमाने के लिए लेकर के गए थे। उसके बाद मामला थाना तक कैसे पहुंचा? फिर क्या हुआ उसके बाद? घूमने गए, फिर कुछ आप लोग के साथ संबंध भी बना, क्या हुआ बताइए। मुखदुमपुर से गया, हमको यही लेकर के आए थे। अच्छा, फिर डेल्हा रूम पर एक जिया जी थे, वही हमको लेकर के गए थे इनके रूम पे। थाना तक कैसे पहुंच गए आप लोग? थाना तक पहुंचे हम जब इनको बताया कि ये हाल है तो ये इनकार कर दिए। फिर क्या हुआ आपके सर, क्या बता दो ना। हाँ, क्या थाना तक कैसे पहुंचे? ये सब मैटर इनको बताया तो ये इनकार कर दिए, तो हम डर से माँ पापा को भी नहीं गए। जब माँ पापा अल्ट्रासाउंड कराए तो माँ पापा को पता चला। क्या निकला अल्ट्रासाउंड में? अल्ट्रासाउंड में 8 महीने का प्रेगनेंसी है। उसके बाद लड़के वाले क्या बोला जब शादी के लिए बातचीत हुआ, क्या बोला? तो भी नहीं बोल रहा था। तो फिर आप उसके बाद आप लोग थाना में? थाना माने के बाद क्या हुआ? थाना माने के बाद हम लोग दोनों का शादी हुआ। कहाँ शादी हुआ? विष्णुपद मंदिर में। अच्छा, क्या नाम हुआ? शिवानी कुमार। थोड़ा तेज बोलो ना। नीतीश कुमार। कब से आप लोग के बीच प्रेम प्रसंग होने लगा और कैसे हुआ था? शादी में गई थी उसी समय से ये सब काम हुआ। अच्छा, यहाँ तक की बात, शादी तक की बात हो रहा है, शादी में हुआ। तो क्या मतलब जैसे आप लोग का प्रेम प्रसंग क्या प्रेग्नेंट हुई थी, क्या हुआ?
प्रेग्नेंट के जरिए ही ये चीज़ को बताया गया और सुलझाने का भी प्रयास शादी के लिए। तो फिर थाना कैसे पहुंची लड़की? इसी के जरिए। क्या आप शादी से इनकार कर रहे थे? ये चीज़ को बोला ही नहीं गया था पहले तो डायरेक्ट यहाँ हम लोग आए थे जांच पड़ताल के लिए। आपको लड़की पहले बताई होगी ना कि आपके बच्चे की माँ बने प्रेग्नेंट हो गई है, तो क्या आपने क्या जवाब दिया था? एक दिन फ़ोन करके ये चीज़ को बताया गया था, तो हम इसके लिए पहले इनकार कर रहे थे जी, इनकार किए भी थे। उसके बाद फिर यहाँ तक शादी भी हो चुका। तो यहाँ आने के बाद क्या क्या प्रशासन की ओर से क्या करवाई की गई यहाँ आने का? हम लोग प्रशासन के कार्रवाई के जरिए यहाँ पर तो डायरेक्टली आए आए तो पूछे जा करके, तो पूछे इस बात को, तो एक रिकॉर्डिंग के जरिए इस चीज़ को पकड़ा गया। जो भी महिला थाने के द्वारा क्या कराया गया आप दोनों के बीच में? कोई मेडिकल जांच कोई कुछ नहीं किया गया, डायरेक्टली शादी का प्रोसेस हमसे गार्जियन से चाहे तो फिर समझिए कि इस मैटर से गुजरने के लिए शादी थाना के द्वारा शादी कराई गई। कहाँ शादी हुआ है? कितना दिन से आप लोग के बीच प्रेम प्रसंग? करीब दिसंबर दिसंबर अब रखने के ऊपर शादी जी, अब शादी होने के बाद रखना पड़ेगा। क्या नाम हुआ? कहाँ रहते हैं आप? डेल्हा पर। और लड़की का? मेडिकल के नाम हमें पता नहीं। तो हमने आपको दिखाया ये वीडियो जिसमें आपको पता चल ही गया होगा कि क्या था पूरा मामला और किस तरह से युवक ने युवती से धोखा करने की कोशिश की, जिसके बाद युवती भी पीछे नहीं हटी और उसने आगे आकर अपने प्यार को एक अलग मंजिल तक पहुंचाया है। तो और भी ऐसे ही वीडियो अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल NBC 24। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए।